पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। सोल प्रोप्रेटरशिप में आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, जबकि पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो दो या दो से ज़्यादा लोगों की कैपिटल भी होती है। जबकि सोल प्रोप्रेटरशिप में एक ही पर्सन होता है ओनर, तो उसकी कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उसकी कैपिटल के, जैसे कि ड्राइंग्स या प्रॉफिट, वो बैलेंस शीट में ही आप कैपिटल के साथ एडजस्ट करके लिख देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ज़्यादा पर्सन होते हैं तो वहाँ पर सारे पार्टनर्स का एडजस्टमेंट करके लिखना बैलेंस शीट में पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बना करके उसके एडजस्टमेंट को वहाँ पर करके फाइनल बैलेंस कैपिटल का निकाला जाता है और उसको बैलेंस शीट में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसकी कई बातें पार्टनरशिप में हम लोग देखते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने का इसमें दो मेथड होता है, कैपिटल अकाउंट्स। इसमें जो दो मेथड होता है, एक को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरे को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां भी हम लोग बात करेंगे कैपिटल की या करेंट अकाउंट की, वो सब पार्टनर्स की ही बात करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट एक हो गया और दूसरा करेंट अकाउंट, ये भी पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, ठीक है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट के नाम पर, वो होगा कैपिटल अकाउंट। अब आप ये समझिए कि फिक्स्ड में दो बनता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही बनता है। वो इसलिए क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल को फिक्स रखा जाता है, जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल के हो सकते थे, कैपिटल में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो कैपिटल में न करके करंट अकाउंट में कर लिए जाते हैं, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं होती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग, जैसा इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें कैपिटल अकाउंट में ही सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं और इस वजह से कैपिटल का बैलेंस बदल जाता है। तो अब ये देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या क्या आइटम जाता है। तो कैपिटल अकाउंट का फिक्स का मतलब यहां पर ये है कि कैपिटल अकाउंट में आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और इसमें सिर्फ दो चीजें जा सकती है मैक्सिमम कैपिटल अकाउंट में, अगर फिक्स कैपिटल आप फॉलो कर रहे हैं तो। वो दो चीजें क्या होंगी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपने और बिजनेस में लगाई है तो, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में अगर आपने कैपिटल को ही बढ़ाया है तब वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और बिजनेस में अगर आपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो माइनस कर दिया जाएगा, ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से निकाला। देखिए ड्रॉइंग दो तरह की होती है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहां समझ लीजिए कि ड्राइंग्स एक होती है जो कैपिटल से निकाल ली जाती है, यानी जिससे कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। दूसरी ड्राइंग्स होती है जो प्रॉफिट से निकाली जाती है, उससे प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, प्रॉफिट में से आप निकाल लेते हैं, कैपिटल पर उसका असर नहीं पड़ता है ज्यादा डायरेक्टली, फिर वो कैपिटल अकाउंट में से नहीं माइनस की जाती है। बहरहाल यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में यही दो चीजें जाएंगी। अब देख लीजिए कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो। कोई भी कैपिटल का कभी बैलेंस होगा वो क्रेडिट होता है और उसको क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। उसके बाद जब एडिशनल कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे भी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट ही बैलेंस होगा, क्रेडिट ही साइड जाएगा, क्योंकि जिसका जो नॉर्मल बैलेंस होता है अगर वो चीज इंक्रीज करती है तो उसी साइड जाती है। जैसे कैश का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो अगर कैश इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब कैश का डेबिट बैलेंस होगा वो इंक्रीज करने पर। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर कैपिटल इंक्रीज करेगी तो वो जो एडिशनल बैलेंस, एडिशनल जो अमाउंट आप ऐड करेंगे वो भी क्रेडिट ही होगा। और उसके अपोजिट क्या होता है, ड्राइंग्स कैपिटल में से, ड्राइंग्स जब
हो जाएगी तो आपका कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस जब कम होगा तो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। इसलिए जब आपका कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो ड्राइंग से डेबिट कर देंगे आप उसे। अब ये तीन चीजें बस इसमें मैक्सिमम जा सकती हैं। अगर आपने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है और ड्राइंग्स नहीं हुई है बिजनेस से तो सिर्फ यही रहेगा, बस जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग हो जाएगा और इस तरीके से आपका कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आइए करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में जो आइटम लिखे जा सकते हैं, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने पिछली वीडियो में बताया है। पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का वो लिखा जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू ए कमीशन, सैलरी टू ए पार्टनर और कमीशन टू ए पार्टनर और अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सारी चीजें पीएल अप्रोप्रिएशन की होती है और यही चीजें पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएंगी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाती हैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपना रहे हैं तो वही सारी चीजें करेंट अकाउंट में जाएंगी। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, ये क्वेश्चन में दिया होगा। अच्छा आपको एक बात बता दें यहां पर कि क्वेश्चन में आपको जो कौन सा मेथड फॉलो करना है, फिक्स्ड मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये दिया होता है। अगर कोई मेथड नहीं दिया होगा कि कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, उस केस में आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करेंगे, तो ये एक अंडरस्टूड बात होगी, ठीक है। हमेशा फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करेंगे अगर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो, बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग मेथड पे हम लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड दिया होगा तब इसको फॉलो करेंगे और उसमें फिर दो अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो हम लोग बात कर रहे थे करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसको आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। जबकि कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक ही बैलेंस होता है, वो क्रेडिट, डेबिट बैलेंस कैपिटल का नहीं होता है। अब आइए इसमें कौन से आइटम हमें ऐड करने होंगे और कौन से डिडक्ट करने होंगे इसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये ऐड हो जाएगा इसमें। उसके अलावा पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी वो ऐड हो जाएगी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन वो ऐड हो जाएगा। तो जो जो चीजें ऐड हो रही हैं उन सब से आप इसको क्रेडिट करते जाएंगे, ठीक है। तो करंट अकाउंट जब आप बनाएंगे उसका बैलेंस आप डेबिट या क्रेडिट दोनों देख लेंगे क्या है, और उसके बाद इन आइटम्स को जो पार्टनर्स से रिलेटेड है वो क्रेडिट करते जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू ए पार्टनर, कमीशन टू ए पार्टनर। इसके बाद एक आइटम और होता है जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में से माइनस करने वाला होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपका माइनस होगा, इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। और अभी एक आइटम इसमें और बचा हुआ है, वो है जब आपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें पीएल अप्रोप्रिएशन में ये सारी चीजें लिखने के बाद आपने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वो जो प्रॉफिट आपने पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्टनर्स में बांटा था, अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड अपना रहे होते हैं तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आ जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन, ये भी ऐड हो जाएगा। अगर लॉस होगा अप्रोप्रिएशन पे तो वो माइनस हो जाएगा, लॉस ऑन अप्रोप्रिएशन, ये। तो इतनी सारी चीजें करंट अकाउंट में जा सकती हैं। अब अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम अपनाएंगे तो यही चीजें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, ये तमाम चीजें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जा रहा है, तो ये भी चला जाएगा इसमें और ये सारी चीजें भी इसमें ही चली जाएंगी। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे जब, तो आप पहले ओपनिंग बैलेंस इसका लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस जो कि क्रेडिट होगा। इसके बाद इसमें अगर एडिशनल कैपिटल होगी तो वो आप ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल जो कि क्रेडिट होगा। अगर आपने ड्राइंग्स की है तो वो माइनस कर देंगे,
और आप इधर आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्लस हो जाएगा। जो चीजें प्लस होंगी वो क्रेडिट हो रही हैं, जो चीजें माइनस हो रही हैं वो डेबिट हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद आप सैलरी, पार्टनर की सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन ये भी प्लस हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा यानी डेबिट हो जाएगा। और प्रॉफिट अगर अप्रोप्रिएशन पर है तो वो प्लस हो जाएगा और अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन अप्रोप्रिएशन ये प्लस है, माइनस देखिए प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक ही चीज होगी तो वो आपका माइनस हो जाएगा, लॉस ऑन अप्रोप्रिएशन। तो ये आपने देखा कि तमाम चीजें जो कि कैपिटल और करंट अकाउंट में अलग अलग शो की जाती हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ये सारी चीजें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही शो की जाती हैं। और इतना सारा करने के बाद आपको बैलेंस निकालना होगा, बैलेंस आ सकता है कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन इतने सारे के बाद हो सकता है कि डेबिट बैलेंस भी आ जाए, कभी कभी कैपिटल कम हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है पार्टनर का, कि रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ क्या है, कभी कभी डिफिशियंसी भी हो जाती है कैपिटल अकाउंट में अगर ये सारी चीज़ें की जाती